बेटा जरा वो ऑयल देना। क्या हुआ बेटा, आप साइकिल चलाते वक्त तो इतना एंजॉय करते हो और इसकी सर्विसिंग में इतना क्यों परेशान हो रहे हो? ये देखो मम्मा, मेरे हाथ कितने गंदे हो गए और ये सब करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे कितने काम करती हूँ, रोज तुम्हें घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाती हूँ, और तुम्हें महीने में बस एक बार मेरी सर्विसिंग करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। शेम ऑन यू बेटा, शेम ऑन यू। पर बेटा जब आप साइकिल इतना चलाते हो तो मंथ में एक बार सर्विसिंग करना जरूरी होता है बेटा। ठीक है मम्मा, पर सर्विसिंग करने का फायदा ही क्या है? बेटा साइकिल में ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हैं तो ये स्मूथ तरीके से चलती है। पर क्यों मम्मा, ऐसा क्या करता है गंदे से ऑयल और ग्रीस? गंदे? किसने कहा ये गंदे हैं? मेरे लिए तो बिल्कुल अमृत है ये, अमृत, समझे? बेटा ये ऑयल एंड ग्रीस इसके पार्ट के बीच के गड्ढों को भरते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे पर स्मूथ तरीके से स्लाइड कर पाते हैं। गड्ढे? कैसे गड्ढे? मुझे तो कोई गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे। चलो ये समझने के लिए मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो ये स्टूल है ना, अब मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। अब बताओ ये स्टूल चला कैसे? कैसी बात कर रही हो मम्मा, अभी तो आपने इसे धक्का देके चलाया है। और ये स्टूल थोड़ी दूर चल के रुका कैसे? अपने आप रुक गया बस। बेटा अपने आप कैसे रुक गई? कुछ तो ऐसा होगा जिसने इसे रोका होगा। पता नहीं ये कैसे रुका, लेकिन मैंने तो किसी को रोकते हुए भी नहीं देखा। बेटा तुम्हें नहीं दिख रहा है पर कुछ तो ऐसा है जिसने इसे रोका है। पर ऐसा क्या है मम्मा? आओ चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। आओ बैठो यहाँ। अब बताओ अगर मैं उस स्टूल को ऐसी खुरदरी जमीन पे स्लाइड करूँ तो क्या ये स्लाइड होगा? नहीं, इन गड्ढों में फंस कर रुक जाएगा। और अब अगर मैं उसी स्टूल को इससे कम खुरदरी जमीन पर स्लाइड करूं तो क्या ये स्लाइड होगा? इस पर स्लाइड तो करेगा पर गड्ढों के कारण जल्दी रुक जाएगा। तो बस इस जमीन पर भी यही हो रहा है, इसमें बहुत छोटे छोटे गड्ढे हैं जो स्टूल को रोक दे रहे हैं। पर कैसे मम्मा, मुझे तो कोई गड्ढे नहीं दिख रहे। क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे गड्ढे हैं, वो गड्ढे इतने छोटे छोटे हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते। क्या बताऊं बेटा, ये छोटे छोटे गड्ढे कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों के कारण है। तो फिर क्या वो छोटे छोटे गड्ढे हर जमीन पर होते हैं? हाँ हर जमीन पे होते हैं, और जमीन ही नहीं हर चीज पे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, चाहे वो चीज कितनी भी स्मूथ क्यों न हो, बस हम उन्हें खुली आंखों से नहीं देख पाते। तो आपका कहने का मतलब है साइकिल के उन पार्ट्स पे भी छोटे छोटे गड्ढे हैं? हाँ साइकिल के उन पार्ट पर भी हैं, और ये ऑयल और ग्रीस उन्हीं गड्ढों को भरने का काम करते हैं। पर कैसे मम्मा? चलो मैं दिखाती हूँ। तो समझ लो साइकिल के ये दो पार्ट हैं, जो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड कर रहे हैं, पर इन छोटे छोटे गड्ढों के कारण प्रॉब्लम आ रही है। पर जब इनके बीच में ऑयल आ जाता है तो ये गड्ढे आसानी से भर जाते हैं और ये आराम से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेते हैं। पर मम्मा इस साइकिल में कौन से पार्ट स्लाइड कर रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे पार्ट स्लाइड करते हैं, पर एग्जांपल के तौर पे साइकिल का वो व्हील ले लेते हैं। जब ये व्हील घूमता है तो एक्सल के ऊपर स्लाइड ही तो करता है। ये देखो कुछ इस तरह। हाँ मम्मा स्लाइडिंग तो है। बिल्कुल, और इसको स्मूथ करने के लिए ये ऑयल भी है। तो फिर ठीक है, अब से मैं अपनी साइकिल का ध्यान रखूंगी और उसकी अच्छे से सर्विसिंग करूंगी। थैंक यू बेटा, इससे इस थकी हुई साइकिल में फिर से जान आ जाएगी।